परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान गए, लीला पूरी हुई, अर्जुन वापस आए, पांचों पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बनाया, पांचों पांडव भी चले गए हिमालय की ओर। परीक्षित जी एक बार भ्रष्ट को मार रहा था, परिचय पूछा, उस पुरुष ने कहा मैं कलयुग हूं। गाय से पूछा तुम कौन, बोले मैं पृथ्वी हूं। तो उस कलयुग को मारना चाहा तो कलयुग ने कहा महाराज हमें मारो मत, हम में गुण है अवगुण भी है, हमको कोई रहने का निवास दो। तो चार जगह कलयुग को रहने को दी गई, कौन कौन सी, जहां पर जुआ खेला जाता हो, एक, जिस घर के लोग मांस खाते हो, मांस का भक्षण करते हो, वहां तुम रहो। जिस घर में लंपट पुरुष रहते हो, यानी स्त्री पर पुरुष का संग करे जिस घर की, या पुरुष पर स्त्री का संग करे, ऐसे घर में कलयुग का वास है। चोरी, इन चार जगहों पर कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज जितनी जगह दी सब गंदी गंदी, कोई बढ़िया जगह दो, बढ़िया सा बैठका तो होना चाहिए, मकान कैसा भी हो बैठका बढ़िया होना चाहिए। तो पांचवा स्थान कलयुग को रहने का स्वर्ण में दिया गया, स्वर्ण मतलब गोल्ड। इसलिए जितने भी आज कथा सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है काल जितना भी तुम्हारे घर पर गोल्ड रखा हो सब ला के चढ़ा देना, क्योंकि आपके गोल्ड पर कलयुग का वास है, हम सब पचा लेंगे। ये तो विनोद है, सभी स्वर्ण के ऊपर कलयुग का वास नहीं है ना, फिर कौन से स्वर्ण में, जिस सोने को भाई से छीना गया हो, चोरी किसी के यहां की गई हो, भाई का हिस्सा कपट के साथ रखा गया हो, गुरु का हिस्सा कपट के साथ रखा गया हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास है। इसलिए अपने गांव में कहावत है ना भैया सोना गिरना ठीक है ना मिलना ठीक है। और परीक्षित जी वापस आए, एक दिन महाभारत का एक मुकुट बड़ा अच्छा था, परीक्षित जी को अच्छा लगा, पहन लिया, कलयुग को बैठने का मौका मिल गया। आज तक शिकार पे नहीं गए, पहली बार शिकार पर निकले, शिकार तो मिला नहीं, एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा, महात्मा ध्यान में थे, फिर भी महात्मा को आवाज दी पानी पीना है आंखें खोलो, महात्मा तो ध्यान में थे, महात्मा ने आंखें नहीं खोली। समीक ऋषि, वहीं पर मरा हुआ एक सांप डला था, वो मरे हुए सांप को अपने तीर में फंसा करके महात्मा के गले में डाल दिया, ये लो महाराज, और चले आए। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और किसी ने ये पूरी बात बताई, सोई श्रृंगी ऋषि ने जल लेकर के श्राप दे दिया कि आज से ठीक सातवें दिन जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो उसकी आज से ठीक सातवें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मौत हो जाए। पिता को पूरी बात बतलाई, बाद में जब पता लगा कि महाराज परीक्षित जी को श्राप मिल गया, तब दोनों महात्मा बड़े पछताए। फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुगे, फिर पछताए क्या होगा, परीक्षित जी को बताया भैया आज से ठीक सातवें दिन तुम्हारी मौत है। परीक्षित जी घबरा गए,
साफ संपत्ति त्याग करके गंगा के किनारे आ गए। बड़े बड़े महात्मा दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ महाराज? परीक्षित जी बोले, महाराज हमको श्राप मिल गया, अब तो कोई उपाय बताओ, मृत्यु से भय के बचने का क्या उपाय? किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा दान करो। मुंडर मुंडर मत भिन्न, जितने सिर उतने मत। बाद में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। महाराज सुखदेव जी ने प्रणाम किया, स्वागत किया सुखदेव जी, महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी का स्वागत किया परीक्षित जी ने। राजा परीक्षित प्रश्न पूछते गए, सुखदेव जी उत्तर बताते गए, और यही श्रीमद् भागवत संहिता बनकर के प्रकट हुई है।